दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कई तरह की ट्रेडिंग होती है, तो आप लोगों के बहुत सारी क्वेरीज आई थी किस तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस तरह की ट्रेडिंग होती है। तो उस पर मैंने एक ट्रेडिंग सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें आज चैप्टर वन में हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत तरह की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है, वो सब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। बट आज के इसमें हम देखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है। तो जो आज के इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे वो कौन से टॉपिक होंगे, वो सबसे पहले समझेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करते कैसे हैं, उसके बाद इसके प्रोज एंड कॉन्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के, और हम एक डेमो भी देखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। हम अपने टर्मिनल पे जाके देखेंगे कि इसको कैसे करी जाती है। आज मार्केट क्लोज है, संडे है, तो लेकिन उसको हम डेमो देख सकते हैं कैसे खरीदा जाता है, क्या क्या हमें चीजें देखनी होती हैं, सारी चीजें हम इसमें देखेंगे जो कि हम आप इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई स्टॉक एक दिन में खरीदते हैं और उसी दिन उस स्टॉक को बेच देते हैं, या उस स्टॉक को बेचते हैं और सेम डे उस स्टॉक को खरीद लेते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग की जो टाइमिंग है वो एक दिन की होती है। जब मार्केट हमारी ओपन होती है 9:15 बजे मॉर्निंग में और 3:30 बजे शाम को क्लोज हो जाती है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग 9:15 बजे से लेके 3:20 मिनट तक करी जा सकती है। आप जो भी चीज खरीदेंगे या बेचेंगे, आपको अपना वो ट्रेड 3:20 मिनट तक ऑटोमेटिकली कट कर देना है, अदरवाइज जो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहां से वो आपका कट हो जाएगा, वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, वो कैसे भी हो, बट सेम डे वो आपका जो सौदा है वो कट जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं, दोनों होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आप एक दिन में पैसा कमा सकते हैं तो एक दिन में पैसा जा भी सकता है। तो सबसे पहले किसी भी तरह की ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप एंजल वन में ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग की कोई फी नहीं लगने वाली है। इक्विटी में इसका 0 रुपीज का चार्जेस लगता है और FNO और इंट्राडे में 20 रुपीज पर ऑर्डर का लगता है, जो कि बहुत ही कम है। आप अगर एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको फिनवे ऑफिशियल की तरफ से जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो ये है कि आप इसके प्रीमियम ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लाइव ट्रेडिंग सेशंस होंगे, Q&A होंगे, सेशंस होंगे, आपके पोर्टफोलियो रिव्यू सेशन होते हैं जो वीकेंड्स पे होते हैं, वो सब में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं, और ये सब आपको 0 अमाउंट पे करके मिलेगा। जिसके और अदर चैनल जो है बहुत सारे पैसे लेते हैं, जो अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बहुत सारे पैसे लेते हैं, लेकिन ये सब आपको 0 प्राइस पे मिलेगा। तो आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइए, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए, स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे। तो हम जानते हैं कि क्या एडवांटेजेस होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के। एडवांटेजेस सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे पहले एडवांटेज होता है कि हमें एक मार्जिन मिलता है। तो मार्जिन का क्या मतलब होता है, मार्जिन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक जो कि 300 रुपए का स्टॉक है, तो अगर हमारे पास कुछ 3,000 रुपए पड़े हुए हैं तो हम उसके से 10 स्टॉक खरीद सकते हैं, और अगर वो स्टॉक बढ़ के 10 रुपए बढ़ता है तो हमारे पास 10 स्टॉक मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंट्राडे ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो वो 300 रुपए का स्टॉक 300 रुपए ना होके उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। हो सकता है आपको 50 या 60 रुपए के भाव से वो स्टॉक मिल जाए, तो अगर 50 रुपए के स्टॉक से मिलता है तो आप अब उसके 60 स्टॉक खरीद सकते हैं, आपके पास 30,000 है। अब अगर वो स्टॉक 10 रुपए बढ़ता है तो आपको 600 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो यानी कि अब इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, आप ज्यादा क्वांटिटी में स्टॉक खरीद सकते हैं। तो ये सबसे पहला एडवांटेज होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। तो ये मार्जिन होता क्या है, मार्जिन देखिए ऐसा होता है कि जो जो भी स्टॉक्स होते हैं वो आप अपने स्टॉक ब्रोकर से खरीदते हैं, तो स्टॉक ब्रोकर आपको वो मार्जिन प्रोवाइड करता है। जब वो 300 रुपए का स्टॉक अगर 50 रुपए में दे रहा है तो 250 रुपए का जो मार्जिन है पर स्टॉक, वो स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है, और उसको जब आप बेचते हैं तो वो अपना मार्जिन वापस ले लेता है और आपको प्रॉफिट दे देता है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि मार्जिन मिलता है, हम कम पैसे में ज्यादा स्टॉक खरीद सकते हैं। दूसरा होता है कि हम एक दिन के अंदर ही पैसा कमाते हैं, एक दिन के अंदर ही हमें प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि हमें जो स्टॉक हमने सुबह खरीदा है उसको हम शाम को मुझे बेच देना है मार्केट क्लोज होने से पहले, और मेरा वो प्रॉफिट जो है वो मेरे पास आ जाएगा। तो एक दिन के प्रॉफिट में ही हमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ हम शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। देखिए, इक्विटी में शॉर्ट ट्रेड आप ओवरनाइट नहीं कैरी कर सकते हैं, कोई स्टॉक आप सेल करके आप ओवरनाइट नहीं रख सकते हैं। यस, आपके पास अगर स्टॉक नहीं भी है
तो भी आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि जो स्टॉक होता है वो आपका स्टॉक ब्रोकर आपके बिहाफ पे खरीदता है या सेल करता है, तो उसके पास ऑलरेडी वो स्टॉक है। आप उससे कहते हो मुझे स्टॉक सेल करना है, 500 रुपए के भाव पे आप सेल कर देते हो, और दिन खत्म होने होने तक आप उसको, मान लीजिए उसका भाव गिर के 480 रुपए आ गया, तो आप अब उस 480 रुपए पे उस स्टॉक को खरीद लेते हो। तो आपने 500 रुपए पे जो चीज बेची थी वो 480 रुपए पे खरीद रहे, तो आपको 20 रुपए पर शेयर प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस तरह से आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं इंट्राडे के केस में। शॉर्ट सेलिंग इक्विटी के केस में नहीं होती है। इसके लिए स्टॉक फंडामेंटल क्या जानकारी होना जरूरी नहीं है, आपको बहुत सारा एनालिसिस नहीं करना है, बैलेंस शीट नहीं समझनी है, कंपनी के पी नहीं समझनी है, ये सारी चीजें इंट्राडे में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों के लिए स्टॉक में ट्रेड करने वाले हैं, तो फंडामेंटल जानने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसके साथ ही आप अपनी रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आप 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए अगर बड़ी क्वांटिटी में करते हैं, तो आप वो दिन में ही, पूरे दिन में वो प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, जिससे आप अपनी एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 2-3 बार अगर ऐसे इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, एक रेगुलर इनकम जनरेट हो सकती है। इसके साथ साथ ही इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, सबसे पहले कि जैसे कि अगर एक दिन में प्रॉफिट होता है तो एक दिन में लॉस भी हो सकता है। तो जैसे कि अगर 300 रुपए का कोई शेयर है, आपने वो इंट्राडे में खरीदा, और अगर वो शेयर आपने बाय किया है, बट अगर उस शेयर का भाव गिर गया, वो शेयर नीचे गिरने लगा, तो आपको वो लॉस होगा, और आपका वो जो लॉस है आपको उसी दिन कट करना है। आप उस स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, तो उसी दिन आपको जो अपना ट्रेड है वो स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, इवन अगर वो लॉस में भी है। एक हाई रिस्क होता है बिकॉज इसमें बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसका प्राइस का मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें एक रिस्क एसोसिएटेड होता है, बट ऑब्वियसली क्योंकि रिस्क हाई है तो इसमें रिवॉर्ड भी अच्छा मिलने के चांसेस होते हैं, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लोग करते हैं, बट ये हाई रिस्क ही होता है और एक डिसएडवांटेज की तरह काम कर सकता है। इसके साथ साथ ही इसमें मार्जिन पेनल्टी लगती है। तो जैसा मैंने बताया था कि जो आपका ब्रोकर है वो आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है, तो 300 रुपए का स्टॉक अगर आप 50 रुपए में इंट्राडे में खरीद रहे हैं, जो 250 रुपए की जो मार्जिन है वो आपको आपका स्टॉक ब्रोकर देता है। अब मान लीजिए आपने कोई स्टॉक अगर 300 रुपए पे खरीदा और वो स्टॉक नीचे गिर गया, 280 रुपए का आया, और क्लोज होते होते अगर 250 रुपए पे आया, तो जो 50 रुपए का डिफरेंस है अगर आपके पास फंड में अवेलेबल नहीं है आपके डिमेट में, तो आपको वो पैसा अपने जो ब्रोकर है उसको देना ही पड़ेगा। अगर आप वो नहीं देते हैं तो आप पे एक पेनल्टी लग जाती है मार्जिन की, यानी आपके पास मार्जिन अवेलेबल नहीं है, तो ये एक डिसएडवांटेज होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ही डिसिप्लिन होती है, इसमें कंट्रोल करना पड़ता है और आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको प्रैक्टिस चेक करना, आपको स्टॉक के चार्ट को पढ़ना जरूरी है कि वो किस लेवल पे खरीदना है, किस लेवल पे बेचना है। तो ये डिसएडवांटेज एक्चुअली डिसएडवांटेज नहीं है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा है। और अगर आप अपनी स्टॉक मार्केट की लर्निंग करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। कमेंट करिए, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करिए, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, आपको ट्रेनिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इंट्राडे एक जो डेमो है उसको देखते हैं कि इंट्राडे डेमो कैसा होता है। हम इसके लिए टर्मिनल पर चलेंगे और देखेंगे कैसे हम इंट्राडे कर सकते हैं। तो डेमो के लिए मैं एंजल ब्रोकिंग का जो टर्मिनल है उस पे लेके आया हूँ आपको। यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स का लगा लिया है चार्ट। तो सबसे पहले डेमो के लिए हम क्या देखेंगे कि जो भी हमें लेना है स्टॉक वो हम यहाँ पे वॉच लिस्ट में डालेंगे, और उसके बाद देखेंगे उसका करंट प्राइस क्या चल रहा है। टाटा मोटर करंट प्राइस लगभग 455 रुपए का चल रहा है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसके टेक्निकल्स चेक करेंगे कि टेक्निकल्स क्या है। इसके टेक्निकल पे क्लिक करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, ओके टेक्निकल के बारे में जानेंगे, तो टेक्निकल से हमें पता चलेगा इसके मूविंग एवरेजेस क्या है, ये सारी डिटेल, RSI की वैल्यू क्या है, ये हमें पता चल जाएगी। इसके बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि ये स्टॉक कहाँ पे है, किस स्टेज पे हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी पता चलेगा। तो अभी करंट अगर देखा जाए तो इसका जो रेजिस्टेंस के लेवल पे स्टॉक खड़ा हुआ है, जो इसका पहला दूसरा रेजिस्टेंस है 452 453 का, तो लगभग अपने रेजिस्टेंस के पास में ही है, और इसके साथ साथ इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस 471 रुपए। तो अब यहाँ से ये मुझे पता चलता है कि अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, जो कि इसने पिछले सेशन में ब्रेक करा और उसके ऊपर क्लोजिंग दिए, तो इसके पास काफी चांस है 471 रुपए, 472 रुपए तक जाने के, क्योंकि ये उसका अगला रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि इसका रेजिस्टेंस तोड़ने पे
ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जा सकता है। ये मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज्यादा मुझे टेक्निकल इसके जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे अगर मैं इसको 455 या 460 पे एक मैं मानता हूँ कि मैं इसे खरीदता हूँ, तो इसको 470 तक जा सकते हैं। उस केस में मैं अपने जो स्टॉप लॉस है वो 452 453 पे लगा सकता हूँ, और अगर मैं इसको यहीं पे खरीदता हूँ तो मैं इसका स्टॉप लॉस 445 लगा सकता हूँ, जो इसका पिछला रेजिस्टेंस था, जो अब इसके सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये टेक्निकल मुझे यहाँ से पता चलते हैं। अब इसी तरह अगर मैं चार्ट देखूँ तो चार्ट पे भी मैं इसको लगा सकता हूँ, और अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो 15 मिनट के चार्ट पे लगाऊंगा। तो अगर मेरे को 456 के ऊपर ये ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे इसको बाय कर लूंगा, और अगला टारगेट जो मेरा होगा लगभग 460 470 के करीब, ये मेरा अगला टारगेट मैं सेट कर लूंगा। उस केस में मुझे स्टॉप लॉस है वो 445 450 का स्टॉप लॉस लगा के चलता हूँ। अब इसको खरीदना कैसे है, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे बाय और सेल दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं बाय भी कर सकता हूँ और सेल भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है इंट्राडे में इस आज के दिन में ये ऊपर जा सकता है, तो मैं बाय करूंगा। तो मैं बाय पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास तीन ऑप्शन आते हैं, इंट्राडे, मार्जिन और डिलीवरी। डिलीवरी मतलब है इसको मैं ओवरनाइट कैरी कर सकता हूँ। तो अगर मैं डिलीवरी पे क्लिक करूँ, और फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 100 शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो मेरे पास 45,490 रुपए की जरूरत पड़ेगी 100 शेयर खरीदने के लिए। लेकिन अगर वही मैं इंट्राडे में करूंगा, मार्जिन मुझे मिलेगा, और उसके साथ देखिए मुझे कितने कम पैसे लगेंगे, सिर्फ 9,098 रुपए में मैं 100 शेयर खरीद सकता हूँ। और मैं इस ऑर्डर को प्लेस करूंगा, अगर ये स्टॉक ऊपर बढ़ता है तो इसमें मान लीजिए 1 रुपए का मूवमेंट आता है, तो मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट होगा सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपए लगा के। तो ये इस तरह से मैं ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ और इसको होल्ड कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ। जैसे स्टॉप लॉस लगाना है उस स्टॉप लॉस को लगा के मैं अपने, अगर जैसे मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मेरा टारगेट निकलता है मैं एग्जिट कर जाऊंगा। इस तरह से इंट्राडे और डिलीवरी में ये फर्क होता है। बट इंट्राडे में लेके मुझे हर हाल में ये 3:20 तक 3:30 तक मुझे ये ऑर्डर निकालना ही निकालना है। नहीं निकालूंगा तो अपने आप ही एंजल ब्रोकिंग जो मेरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो इस ऑर्डर को कट कर देगा। अगर तो वो प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा, अगर तो वो लॉस में है तो लॉस मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर इसे मुझे सेल करना है तो मैं सेल पे क्लिक करूंगा, और मैं इसको सेल के साथ साथ देखूंगा इंट्राडे में मैं इसको सेल कर सकता हूँ। अगर मैं 100 शेयर लेता हूँ तो मुझे सेल करने में भी सेम पैसे लगेंगे। अब अगर इस शेयर का प्राइस गिर के मान लीजिए 450 रुपए जाता है, तो मुझे लगभग 5 रुपए प्रति शेयर प्रॉफिट होगा, और 500 रुपए का प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से इंट्राडे में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो आप एंजल ब्रोकिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, मैं इसको यूज करता हूँ। और उसके साथ साथ आप को अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है फिर में ऑफिशियल का, तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप मेरे लिंक के थ्रू आइए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ये सारी चीजें आपको बिना कॉस्ट के बिना प्राइस दिए आपको मिल जाएगी। लर्निंग बहुत जरूरी है, लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी। तो इसके लिए आप आइए हमारे ट्रेडिंग प्रोग्राम से जुड़िए। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम और ट्रेडिंग स्कीम देखेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है उसके बारे में समझेंगे, किस तरह की ट्रेडिंग होती है हम समझेंगे। मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। आई होप आपका आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और किस बारे में वीडियो देखने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।